सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब से मजमूई तौर पर 13,823 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। कौमी असम्बली की जनरल नशस्तों पर 3,594 मर्द और 270 खवातीन ने कागजात जमा कराए। पंजाब असम्बली की जनरल नशस्त के लिए 8,592 मर्द और 437 खवातीन ने कागजात जमा कराए। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने वसूल शुदा कागजात नामजदगी की तफसीलात भी जारी कर दी। अहम खबर है आप तक पहुंचा रहे हैं कि पंजाब में मजमूई तौर पर 13,823 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए और कौमी असम्बली की जनरल नशस्त पर 3,594 मर्द और 270 खवातीन ने कागजात जमा कराए। पंजाब असम्बली की जनरल नशस्तों के लिए 8,592 मर्द और 437 खवातीन ने कागजात जमा करवाए। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने वसूल शुदा कागजात नामजदगी की तफसीलात भी जारी कर दी हैं। तो खबर यह है कि पंजाब से मजमूई तौर पर 13,823 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों पर 3,594 मर्द और 277 खवातीन ने कागजात जमा करवाए हैं। पंजाब असम्बली की जनरल नशिस्तों के लिए 8,592 मर्द और 437 खवातीन ने कागजात जमा करवाए हैं। पंजाब में कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने का मरहला रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर समाअत के लिए लाहौर हाईकोर्ट के 9 जजेस बतौर इलेक्शन एपलेट ट्रिब्यूनल फराइज अंजाम देंगे। मोहम्मद अशफाक रिपोर्ट करेंगे। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का मरहला लाहौर हाईकोर्ट के 9 जजेस बतौर इलेक्शन एपलेट ट्रिब्यूनल फराइज सर अंजाम देंगे। जस्टिस फैसल जमान खान पंजाब से कौमी और सूबाई असम्बली की खवातीन की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक एतराजात सुनेंगे। जस्टिस राहिल कामरान शेख गुजरांवाला और गुजरात डिवीजन की कौमी और सूबाई जनरल नशिस्तों के एतराजात देखेंगे। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद भावलपुर डिवीजन और जिला लोधरा जबकि जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर को साहिबाल मुल्तान डिवीजन और जिला पाकपतन की कौमी और सूबाई जनरल नशिस्तों से मुतालिक एतराजात सुनने की जिम्मेदारी तफवीज। जस्टिस अली जिया बाजवा डीजी खान डिवीजन और जिला बखर जबकि जस्टिस जवाद हसन जिला अटक मरी और रावलपिंडी डिवीजन की तमाम कौमी और सूबाई जनरल नशिस्तों के एतराजात सुनेंगे। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज जिला चकवाल तिलागंग जहलुम मियांवाली तहसील सराय आलमगीर की तमाम कौमी और सूबाई जनरल नशिस्तों के एतराजात सुनेंगे। कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का मरहला 25 से 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक लाहौर न्यूज। सीआईए पुलिस की डॉक्टर्स अस्पताल में गुंडागर्दी। लाहौर न्यूज के रिपोर्टर्स और कैमरामैनों पर बदतरीन तशद्दुद किया। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने नोटिस लिया। डीआईजी सीआईए मलिक लियाकत को ओएसडी बना दिया गया है। पीएफयूजे प्रेस क्लब के सदर और यंग डॉक्टर्स ने वाकये की शदीद मजम्मत की है। सदर लाहौर बार ने 26 दिसंबर को बार एसोसिएशन का इजलास तलब कर लिया। तो खबर यह है कि सीआईए पुलिस की डॉक्टर्स अस्पताल में गुंडागर्दी है और लाहौर न्यूज के रिपोर्टर्स और कैमरामैनों पर बदतरीन तशद्दुद किया गया है। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सख्त नोटिस। DIGCIA मलिक लियाकत को OSD बना दिया गया है जबकि PFUJ प्रेस क्लब के सदर और यंग डॉक्टर्स ने वाकये की शदीद मुजम्मत की है। CIA पुलिस का आजादी सहाफत पर हमला। DIG CIA लियाकत अली मलिक की सरबराही में पुलिस का डॉक्टर्स अस्पताल पर धावा। लाहौर न्यूज के रिपोर्टर मुजाहिद लतीफ मुदस्सिर हुसैन और हमजा खुर्शीद पर तशद्दुद किया। कैमरामैन जिशान जाहिद और अदनान हसन को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। DIG लियाकत अली मलिक और अहलकारों ने अस्पताल के अमले को भी यरगमाल बना लिया। पुलिस अहलकारों की मरीजों और उनके लवाहिकीन से बदतमीजी। DBR को कब्जे में लेकर अमले को खुली गालियां दी गयी। निगरान वजीर अला पंजाब मोहसिन नकवी का अस्पताल के अमले सहाफियों पर तशद्दुद का सख्त नोटिस। DIG CIA लियाकत अली मलिक को OSD बना दिया गया। नोटिफिकेशन भी जारी। PFUJ और सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी की जानिब से सहाफियों पर CIA पुलिस के तशद्दुद की मुजम्मत। लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार के सदर राणा इंतजार ने कहा कि पुलिस की गुंडागर्दी मुआशरे के लिए खतरे का बायस है। सदर लाहौर बार ने 26 दिसंबर को जनरल हाउस इजलास तलब कर लिया। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन जिना अस्पताल की डॉक्टर्स अस्पताल पर हमले की शदीद मुजम्मत। सदर यंग डॉक्टर्स डॉक्टर हमजा अजीज का कहना है कि डॉक्टर्स की हुरमत पर आँच नहीं आने देंगे। हम डॉक्टर अस्पताल पे होने वाले पुलिस गर्दी और हमले की भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं
कि अगर डीआईजी सीआईए मलक लियाकत के खिलाफ कार्रवाई ना की गई तो मंगल वाले दिन हम इंशाल्लाह वाईडी जिला हॉस्पिटल मुकम्मल इत्तेजाज करेगी। अस्पताल इंतजामिया ने एफआईआर के इंदराज के लिए दरखास्त दे दी। रिपोर्टर मुजाहिद शेख और मुदस्सिर हुसैन की जानिब से भी इंस्पेक्टर मोहम्मद अली भट्ट, रईस खान लोधी समेत 200 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमे के इंदराज की दरखास्त दी गयी। सिविल सोसाइटी की जानिब से भी डॉक्टर्स, अस्पताल और सहाफियों पर हमले की शदीद मजम्मत। सदर शेखपुरा प्रेस क्लब, सदर भावल नगर प्रेस क्लब और उकाड़ा नेशनल जर्नलिस्ट ग्रुप ने भी वजीर अला पंजाब से तशद्दुद करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। डॉक्टर्स अस्पताल में सीआईए एहलकारों की गुंडागर्दी है और दौरान कवरेज रिपोर्टर्स मुदस्सिर हुसैन और मुजाहिद पर सीआईए का तशद्दुद है। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद इंसारी ने वाकये की मजम्मत करते हुए एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है। मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ हैं, मुदस्सिर अपडेट कीजिएगा इस हवाले। जी बिल्कुल, डॉक्टर अस्पताल में दौरान कवरेज साफियों पर सबक डीआईजी सीए मलिक लियाकत और सीआई की टीम ने जो है वो बेमैना तशद्दुद किया। इस वाले से सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद इंसारी का ये कहना है कि साफियों पर तशद्दुद के वाकये के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई ना की गई तो एहतजाज किया जाएगा। दुनिया मीडिया ग्रुप के सीनियर क्राइम रिपोर्टर मुदस्सिर हुसैन और मुजाहिद शेख पर सीआई पुलिस ने जो है वो किया है वो काबिले मजम्मत है। सदर लाहौर प्रेस का मजीद कहना है कि सीआई पुलिस ने कानून शुकन अफसरान का मुहासबा वक्त की जरूरत है। दौरान कवरेज साफियों के साथ सबक डीआईजी सीआईए मलिक लियाकत और सीआई पुलिस टीम ने का जो रवैया था वो नाकाबले बर्दाश्त है। शकील लाहौर प्रेस क्लब जाहिर आबद का इस हवाले से कहना था कि सबक डीआईजी सीआई की इमाम पर पुलिस ने गुंडागर्दी की है जो कि काबिले तशवीश है। शकील लाहौर प्रेस जाहिर आबद का मजीद कहना था कि पुलिस को वर्दी आवाम की हिफाजत के लिए बनाई गई है ना कि गुंडागर्दी के लिए। और डॉक्टर अस्पताल में पुलिस ने जो है वो सरेआम वहां पर गुंडागर्दी की है। खास के जो डीएसपी मोहम्मद अली भट्ट, राशिद अबीन भट्ट और रईस खान जो है सरेआम वहां पर अपने अहलकारों को बुलाकर अपने थानेदारों को बुलाकर वहां पे ना सिर्फ शाफियों पर शिदत किया बल्कि वहां पर जो अस्पताल का हमला था उसको भी जो है वो जदोखोज किया गया और पैरामेडिकल स्टाफ पर जो है वो शिदत किया। उसके बाद तमाम जो पुलिस की जो डीवीआर थी वो भी जो है वो वहां से लेकर गन पॉइंट पर वहां से लेकर जो है वो ताहाल अभी तक जो है वो डीवीआर वापस नहीं की गई है। इस वाले से सेक्टी लाहौर प्रेस का कहना है कि अगर 24 घंटे तक मुकदमा दर्ज ना किया गया तो साफी जो है वो लाहौर प्रेस के बाहर ठीक है। मुदस्सिर हमारे साथ ही रहिएगा। सीआईए पुलिस की जानिब से सहाफियों और डॉक्टर्स को जदोकोब करना नाकाबले मजम्मत है और कहा गया है कि काबिले मजम्मत अमल है। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच की डॉक्टर्स अस्पताल में पुलिस गर्दी की मजम्मत, कहा कि ये काबिले मजम्मत अमल है। कहते हैं कि पुलिस अफसरान अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं, पुलिस की जानिब से हर तबके को जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है। मजीद उन्होंने क्या बयान जारी किया है जानेंगे। रहील अली हमारे साथ हैं, रहील अपडेट कीजिएगा क्या बयान जारी किया गया है इनकी जानिब से। रहील अली से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं कि पुलिस की जानिब से उठाए जाने वाले इस इकदाम की मजम्मत का सिलसिला जारी है और रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच की डॉक्टर्स अस्पताल में पुलिस गर्दी की मजम्मत, कहा कि पुलिस अफसरान अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं, पुलिस की जानिब से हर तबके को जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है। डॉक्टर्स अस्पताल में सीआईए एहलकारों की गुंडागर्दी है। दौरान कवरेज रिपोर्टर्स मुदस्सिर हुसैन और मुजाहिद शेख पर सीआईए का तशद्दुद का ये मामला है। सीनियर क्राइम रिपोर्टर्स अहमद फराज, बाबर खान, मियां नदीम अली साही और एहसान शौकत ने वाकये की मजम्मत की है। मुकदमा दर्ज ना किया गया तो भरपूर एहतजाज किया जाएगा। मजीद क्या तफसीलात हैं, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज मुदस्सिर हुसैन। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, डॉक्टर अस्पताल में पुलिस जानब से जो है वो क्राइम रिपोर्टर्स पर शदत का निशाना बनाया गया। क्राइम रिपोर्टर को सीनियर क्राइम रिपोर्टर मुदस्सिर हुसैन और मजाहिद शेख को, जिस पर सीनियर क्राइम रिपोर्टर अहमद फराज, बाबर खां और मियां नदीम की जानब से उन्होंने वाकये की भरपूर मजम्मत की है। मियां आबद, इसके अलावा अली साई, मुशरफ शाह, अहसान शौकत, मिर्जा रमजान बेग और रियाज अवान की जनब से जो है वो कार्रवाई का मुतालबा किया गया। सीनियर क्राइम रिपोर्टर अहमद फराज का कहना है कि वजीर अला के हुक्म के बावजूद ताहाल जो है वो मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। अगर मुकदमा दर्ज ना किया गया तो भरपूर जो है वो एहतजाज किया जाएगा और सी आई पुलिस का जो लामहदूद इख्तियार है उन्होंने इसको बिल्कुल अंधा कर दिया है। वो किसी का जो है वो ख्याल नहीं करते।
खासतौर पर जो है इस तरह पहले वो आम इंसानों के साथ जो आम शहरियों के साथ जो है वो इस तरह का रवैया रखते थे, उनको छेदर का निशाना बनाते थे, अब उन्होंने सहाफियों पर जो है वो हाथ हटाना शुरू कर दिया है और बदतरीन तरीके से जो है वो सहाफियों को जो है वो शदत का निशाना बनाया गया है। अमर फराज का मजीद कहना है कि डॉक्टर अस्पताल का वाक्य पीएसी हमले जैसा है, किसी को जो है वो माफ नहीं किया जा सकता। इस वाले से सीनियर क्राइम रिपोर्टर ने आईजी पंजाब से और वजीर अला पंजाब से ये मुतालबा किया है कि वाकये का मुकदमा दर्ज करके जो सीएए के जो गुंडागर्द अनासर हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाए, उनका जो सरपरस्त है डीआईजी सीआईए मलिक लियाकत इनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई का मुतालबा किया है सीनियर क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन की जानिब। ठीक है, उनकी जानिब से इस हवाले से मजम्मत भी की गई है और कहा गया है कि हम इस पर भरपूर एहतजाज करेंगे अगर कार्रवाई अमल में ना लाई गई। मुदस्सिर हुसैन हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। गुलकार चाहत फतेह अली खान भी सियासी मैदान में उतरने को तैयार हैं। चाहत फतेह अली खान ने लाहौर के हल्का एन ए 128 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। काशिफ राना उर्फ चाहत फतेह अली खान ने वकील के जरिए कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ हैं, उनसे राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बता रहे हैं कि गुलकार चाहत फतेह अली खान भी सियासी मैदान में उतरने को तैयार हैं। मोहम्मद अशफाक से अहवाल जानेंगे। अशफाक बताइएगा, बिलाखिर चाहत फतेह अली खान भी मैदान में आ गए सियासत के? जी बिल्कुल, बिलाहिर गुलकार चाहत फतेह अली खान ने भी इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है और इस सिलसिले में गुलकार चाहत फतेह अली खान ने हल्का एन ए 128 से अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल मुस्लिम लीग नून के हाफिज नुमान और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी इनके मद्दे मुकाबिल मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी इसी हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो अब गुलकार चाहत फतेह अली खान ने भी इलेक्शन में किस्मत आजमाने का फैसला किया है और एन ए 128 से वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। ठीक है अशफाक, बहुत शुक्रिया। शहर लाहौर की खूबसूरती की एग्जामिन अथॉरिटी की मुबैना गफलत सामने आ गई है। आधा माली साल गुजरने के बावजूद पीएचए अपना बजट पेश न कर सका। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अजलास न होने की वजह से बजट में ताखीर है। बजट मंजूर न होने की वजह से अथॉरिटी के इंतजामी उमूर शदीद मुतासर। पंजाब हुकूमत ने भी बजट में पीएचए को खातिर खा फंड ना दिए। तफसीलात के लिए बात करते हैं जैनुल आबिदीन से। जी जैन, लाहौर को खूबसूरत बनाने का जिम्मेदार इदारा पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी अभी तक अपना बजट पेश नहीं कर सकी। आधा माली साल गुजर चुका है मगर बजट पास ही नहीं हुआ। पीएचए के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास ना होने की वजह से ये मुबैना तौर पर बजट में तखीर हुई। बजट मंजूर ना होने की वजह से अथॉरिटी के इंतजामी अमूर शदीद मुतासिर हो रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने भी बजट में पीएचए को खातर खा फंड ना दिए। इस तरह बजट पास ना होने की वजह से और हुकूमत की जानिब से फंड ना मिलने की वजह से दमा माली साल में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी शहर लाहौर की खूबसूरती के लिए कोई नया मेगा प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर सकी, जबकि शहर के ट्री कवर में इजाफे के लिए जो मियावाकी जंगल लगाने का मंसूबा था वो भी अभी तक फाइलों में बंद है। रमा वाली साल में पीएचए को शहर लाहौर में एक मंसूबा शुरू करने की हदायत दी गई और रमा वाली साल में 2 करोड़ रुपए का जो बजट है वो मुख्तस किया गया, लेकिन ये 6 माह का अर्सा गुजरने के बावजूद अभी तक निगरान पंजाब हुकूमत की तरफ से ये 2 करोड़ रुपए भी जारी नहीं किए गए। इस तरह शहर लाहौर की खूबसूरती की जामन जो अथॉरिटी है वो इस वक्त खुद जबूहाली का शिकार हो चुकी है। ठीक है जैनुल आबिदीन, अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मोहम्मद कासिम खान के बेटे की दावत वलीमा की तकरीब, निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की खसूसी शिरकत, जस्टिस अली जिया बाजवा, जस्टिस तारिक नदीम, जस्टिस अहमद नदीम अरशद भी शरीक हुए, जबकि साबिक विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड और एस एन भून की भी शिरकत। अहवाल जानेंगे मोहम्मद अशफाक से। जी अशफाक बताइएगा। जी बिल्कुल, साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान के साहबजादे हबीब मोहम्मद की दावत वलीमा की तकरीब में निगरान वजीर अला पंजाब मोहसिन नकवी, गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान, चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने खसूसी तौर पर शिरकत की, जबकि इस तकरीब में लाहौर हाईकोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस असद जवेद गुराल, जस्टिस सदाकत अली खान, जस्टिस राहील कामरान शेख, जस्टिस अनवार हुसैन और उनके साथ साथ लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक नदीम, जस्टिस अहमद नदीम अरशद और उनके साथ साथ लाहौर हाईकोर्ट के
जो दीगर जजेज हैं, तकरीबन तमाम बेंचेज के जो जजेज हैं, उन्होंने इस तकरीब में खसूसी तौर पर शिरकत की। और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा अहमद हसान समेत दीगर सियासी व समाजी शख्सियात ने खसूसी तौर पर हबीब मोहम्मद की दावत वलीमा की तकरीब में शिरकत की। इसके साथ साथ लाहौर हाईकोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस मोहम्मद जावर अली भी इस तकरीब में मौजूद थे। साबिक वफाकी वजीर कानून आजम नजीर ताड़र, कानूनी माहिर एहसन भून, साबिक सेक्रेटरी लाहौर हाईकोर्ट बार और साबिक सदर सरदार अकबर डोगर, एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब इस हवाले से वो भी इस तकरीब में मौजूद थे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन शहजाद शौकत ने भी इस तकरीब में शिरकत की। और इसके साथ साथ लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अनवारुल हक पन्नू, साबिक एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब भी इस तकरीब में मौजूद थे। इसके साथ साथ इस हवाले से तकरीब में चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी, गवर्नर पंजाब बलीउर रहमान और उनके साथ साथ जो निगरान वजीर पंजाब मोहसिन नकवी ने साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान के साहबजादे की दावत वलीमा की तकरीब में भी खसूसी तौर पर शिरकत की। जबकि एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब, साबिक एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब मलक अजीज अहमद अवान ने भी इस तकरीब में खसूसी तौर पर शिरकत की और दुल्हा और दुल्हन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इसके साथ साथ साबिक चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान के साहबजादे हबीब मोहम्मद की दावत वलीमा की तकरीब में लाहौर हाईकोर्ट के प्रिंसिपल चीफ। ठीक है शफाक, बहुत शुक्रिया।